नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। व्यापारी के घर से नकदी चोरी का मामला सुलझा, मां बेटे गिरफ्तार, 4 लाख रुपए बरामद। मातृ शिशु अस्पताल में हार्मोन की जांच करने वाली मशीन बिगड़ी, महिलाओं को होने लगी परेशानी। कोनी के सरकारी उद्यान से बागवानी करने वालों को मिल रही राहत, जरूरत के सारे फूल पौधे उपलब्ध। फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी पहुंची धर्मनगरी रतनपुर, मां महामाया का लिया आशीर्वाद। और बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बना सिरमौर, उप विजेता बनी दिल्ली, एसपी ने किया पुरस्कृत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़े मामले का खुलासा किया है। 21 अक्टूबर 2023 को व्यापार विहार स्थित हिंदुजा ट्रेडर्स के मालिक सुरेश हिंदुजा के घर से अज्ञात ने ताला तोड़कर नगद 7 लाख रुपए चोरी कर लिए जाने की शिकायत पुलिस थाने में की थी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी की पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मिनी माता नगर तालापारा निवासी 22 वर्षीय आकाश डहरिया, जो कबाड़ी का काम करता है, वर्तमान में अनाप शनाप रुपए खर्च कर रहा है। शक के आधार पर उस पर पुलिस ने नजर रखी, जिससे सूचना सही निकली और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आकाश ने चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया कि सुने मकान में दोपहर के समय उसने 7 लाख रुपए चोरी किया, जिसे अपनी माँ के पास रखवा दिया था। उसकी माँ शांति डहरिया चोरी के रुपए से तालापारा में ही एक जमीन खरीदने का सौदा कर रही थी। मामला उजागर होने के बाद दोनों को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनसे नगद 4,03,000 सहित एक मोबाइल बरामद किया है। बाकी रकम की बरामदगी के लिए पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कलम को खोला तो उसके अंदर एक बेड था और बेड के अंदर 7 लाख रुपए नगद रखे थे। उसको उसने चोरी कर लिया और चोरी करके अपनी माँ को दिया कुछ पैसा। उसकी माँ के द्वारा जो है उस पैसे का कुछ हिस्सा जमीन खरीदने के लिए एडवांस राशि के रूप में दिया जाना बताया गया। आरोपी के ऊपर पुलिस को शक था और आरोपी की जो दिनचर्या थी वो थोड़ी संदेहास्पद थी। एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान वो पैसे को बेतरतीब तरीके से खर्च करता था, जिसमें सीसीटीवी टीम को सूचना मिली और सीसीटीवी टीम ने उसको शक के दायरे में लेकर पूछताछ करने में आरोपी के द्वारा पूरी घटना को करना स्वीकार किया और उसके कब्जे से 4 लाख रुपया, मतलब उसकी माँ और आरोपी के कब्जे से, उसकी माँ का नाम शांति डहरिया है, उसके कब्जे से कुल 4,03,000 रुपया जो चोरी की रकम थी को बरामद किया गया। तथा तो वो फोन बरामद किया गया। उसकी माँ के द्वारा बताया गया कि उसने जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपया एडवांस दिया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा लगातार जारी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र के मंत्री से लेकर अधिकारी तक आए दिन केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर प्रदेश की वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी ने बिलासपुर जिले में योजनाओं की हकीकत को लेकर चर्चा की। प्रभारी आयुक्त राकेश जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित होकर संकल्प यात्रा के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जितने आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लगातार उनमें फॉलोअप चल रहा है। विकसित संकल्प यात्रा के संबंध में वीसी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसमें जो 10 जो कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड है, विश्वकर्मा योजना है और भी बहुत सारी योजना, आधार कार्ड अपडेशन है, इसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे बिलासपुर ज़िले में अर्बन में काम पूरा हो चुका है। इसमें करीब करीब 65,000 हमको आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका ऑनलाइन एंट्री करेंगे और इसको वेरीफाई करने के बाद उनको बेनिफिट देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 2.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है, तो उसको फिर बाद में वेरीफाई करने के बाद काम करेंगे। शिवाजी मार्ग टिकरा पारा में रहने वाली 40 वर्षीय पिंकी गोयल ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने दामाद आकाश सोनकर और उसके भाई बहन सहित परिवार के अन्य लोगों पर बेटी को
प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जितना बन सका उन्होंने शादी में दहेज दिया था, मगर पिछले कुछ समय से दामाद सहित उनके परिवार के लोग उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता वैशाली उर्फ तान्या सोनकर ने बताया कि उसका पति और उसके ससुराल के लोग उससे अतिरिक्त दहेज लाने के लिए मारपीट करते हैं। मायके पक्ष की जमीन को ससुराल पक्ष के लोग पति के नाम करने की मांग करते हुए उससे मारपीट करते हैं। उसे घर से भी निकाल दिया गया है। लगातार मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए आई चोट और सीसीटीवी वीडियो उपलब्ध कराकर पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जब से शादी हुआ है तब से सिर्फ दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है कि मेरे को जो जमीन मेरा बाप दिया है मेरे को जो मेरे नाम पे है वो अपने नाम पे करवा, मतलब मेरे पति के नाम पे, मेरे नाम पे करवा करके हमेशा ही लड़ता था। उसके पूरे परिवार वाले भी ये सब में शामिल है और इसी वजह से वो मेरे को मारपीट भी करता था, कई बार घर से भी निकाला है और मेरे बच्चे से भी उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे घर से निकालने के बाद भी ना बच्चा बीमार था उसको, ना दवाई गोली कुछ किया है और सिर्फ उसके पूरे परिवार वाले मारने की धमकी देते हैं। अरे कल इतना मारे हैं, पहले तो लड़की को प्यार मोहब्बत करके फंसाया है, उसके बाद इसके पापा दिए हैं जितना देना 25 तोला पूरा ज्वेलरी दिए हैं उसको, उसके बाद भी कार दिए हैं, पूरा दहेज दिए हैं, उसके बाद भी जमीन दिए हैं, कार और सब दिए। तो बोलते जमीन को मेरे नाम कर, कितना मारा पीटा उसको, डिलीवरी के समय इतना मारा, उसका ब्लड चल रहा था। उसके बाद बोलते पैसा, अपने बाप से पैसा मांग, 4 लाख रुपया मांग। तो इसके पापा बोले हैं कि क्या बोलते बेच के दे दूंगा, जमीन बेच के दे दूंगा, अभी नहीं है, अभी तो शादी कर, जो सामान मांगे सब दिए। हम लोग को जान का डर है, वो हम लोग को हत्या करने के लिए बोला है। मातृ शिशु अस्पताल में प्रसूताओं की परेशानी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कभी दवा का टोटा तो कभी इलाज में लापरवाही। अब जांच मशीन खराब हो जाने से गर्भवती माताओं को हार्मोनल जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। केवल 9 महीने चलकर बंद हुई नई हार्मोनल जांच मशीन सुधार ने कंपनी को लौटा दिया है। मातृ शिशु अस्पताल आने वाली गर्भवती माताओं की जाँच में बेहद उपयोगी मशीन के नहीं होने से मरीज निजी पैथोलॉजी जाने मजबूर है। प्रमुख रूप से थायराइड समेत शारीरिक बदलाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स की जांच इस मशीन से की जाती है। रोजाना करीब 30 मरीजों को इसका फायदा मिल रहा था। खासकर गर्भवती महिलाओं और उनके पेट में पल रहे बच्चे की सेहत बनाए रखने हर महीने इसकी जरूरत पड़ती है। मशीन बिगड़ जाने से इलाज प्रभावित हो रहा है। बताया जाता है 3.5 लाख रुपए की नई हार्मोनल एनालाइजर मशीन सीजीएमएससी ने पिछले साल अप्रैल में जिला अस्पताल भिजवाई थी। इस दौरान मशीन में लेजर संबंधी गड़बड़ी होने पर कंपनी ने इंजीनियर भेजा, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर सका, हार कर इसे मुंबई भेजना पड़ा। अब सुधार कर मशीन कब वापस लाया जाएगा बताने कोई तैयार नहीं है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के केंद्रीय चिकित्सालय में शुक्रवार को महिला सफाई कर्मी एकत्र हुए और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है 14 वर्ष से हाउस कीपिंग का वे काम कर रहे हैं, पुराने ठेकेदार का टेंडर खत्म होने के बाद नया ठेकेदार उन्हें काम पर नहीं रख रहा है। मांग किए जाने पर 4-5 हजार रुपए की तनख्वाह पर काम करने कह रहा है, जबकि उन्हें पुराना ठेकेदार 13-14 हजार रुपए महीना देकर काम पर रखा था। कर्मचारियों ने नए ठेकेदार की दादागिरी पर अंकुश लगाने और उन्हें वापस पुराने दर पर काम पर रखने की मांग कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, हाउस कीपिंग में। पहले करते थे यहीं पर ही, जो ठेकेदार का टेंडर खत्म हो गया है, वो टेंडर खत्म होने कारण अब नया ठेकेदार आया है सर। तो वो हम लोग को 15 दिन पहले बोला सर, 10 दिन पहले सबका फॉर्मेलिटी, वो गार्ड कृष्णा के नाम से फॉर्मेलिटी जमा कर रहा था। वो गार्ड है कृष्णा जिनका नाम है, वो भी टेंडर में है, तो वो फॉर्मेलिटी सबका जमा कर लिया सर और हम लोग को आश्वासन दे दिया सभी को। आश्वासन देने के बाद में सर उसने हमें काम में नहीं रखूंगा बोल रहा है, और अगर रखूंगा भी तो 5-6 हजार रुपए तनख्वाह दूंगा। हम मतलब निकाले जा रहा है भैया, हम लोग इतना करोना में काम किया है, अब हम लोग को छाटे जा रहा है सियान है करके, तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे, हमारा बाल बच्चा क्या खाएंगे, हम लोग को नहीं रखता है तो
है, हम लोग को भी रखना चाहिए। हम भी इतना करोना में काम किया है, सभी स्टाफ को रखना चाहिए हमारा। लिखित में नहीं दे रहा है, कितना दिन तक रखेंगे? अब टोटल तो बहुत जने हैं, जितना खड़ा है उतना सब है भैया। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग स्टाफ है सर, अब हम लोग इतना स्टाफ है। दो सांड की लड़ाई में स्मार्ट सड़क पर आते जाते लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। हालांकि बिलासपुर शहर में यह नजारा आए दिन देखने को मिलता है। मालिकों द्वारा खदेड़ दिए गए मवेशियों का ठिकाना मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्ला हो गया है। इससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। श्यामला चतुर्वेदी स्मार्ट रोड में शुक्रवार को दो सांड आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को मात देने के चक्कर में सड़क के दोनों तरफ वाहन चालक ठिठक गए। कुछ लोग आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रहे थे, लेकिन आक्रामक सांड के हमले के भय से वे पीछे हो गए। हाईकोर्ट की फटकार लगने से कुछ महीने पहले नगर निगम हरकत में आया और दर्जनों आवारा मवेशियों को सड़क से उठाकर कहां छोड़ा पता नहीं, लेकिन शहर में इनका आतंक खत्म नहीं हुआ है। कोनी का सरकारी उद्यान बागवानी के शौकीनों और किसानों की मांग पूरी कर रहा है। फल फूल और सजावटी पौधों का बड़ा कलेक्शन प्रकृति प्रेमियों को यहां खींच लाता है। यहां बेहद कम कीमत पर आपको फूलों की 1000 वैरायटी मिलेगी। कोनी के फ्लोरिकल्चर नर्सरी में फूलों की रंगीन चादर बिछी है जो बरबस आपका ध्यान खींचता है। भीतर दाखिल होने पर आपको पता चलता है कि सरकारी उद्यान में फूल फल और शोभा बढ़ाने वाले 15,000 किस्म के पौधे हैं। बागवानी के शौकीनों के लिए ये नर्सरी जी भर कर पसंद के पौधे खरीदने का स्थान है, वो भी बेहद कम कीमत पर। कंक्रीट के जंगलों से बढ़ता प्रदूषण प्रकृति को गमले में समेट चुका है। यहाँ पहुंचकर आप अपना शौक और घर की खूबसूरती पा सकते हैं। मैं बहुत सारे नींबू, आम, अमरूद और बेल, कटहल, कई फल के भी वृक्ष ली और इसके फूल के भी मैं बहुत सारे ली और मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी नहीं ली। यहाँ का कलेक्शन देख करके मुझे इतना अच्छा लगा। इतनी बड़े दूरी में है, जितना ज़्यादा ये बृहद है इसका हमें लगता है कि अभी सब तक थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। शौकीनों की डिमांड पूरा करने नर्सरी में तैयार पौधों की बच्चों की तरह देखभाल की जाती है। मौसम के अनुकूल वातावरण देने उपाय किया जाता है। वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक अशोक परस्ते ने कहा, बागवानी के साथ यहां किसानों की मांग पूरा करने आम, कटहल, अमरूद, पपीता जैसे कई किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम लोग इस टाइप्स के रख रहे हैं जो किसानों के यहाँ आसानी से लग जाए और इस क्लाइमेट में सर्वाइव भी करें, यानी तैयार हो जाए, ऐसे पौधों के ही हम लोगों ने चयन किया। लोग आते हैं वो यहाँ, एक तो नॉर्मल रेट निर्धारित है गवर्नमेंट से, वो उसी हिसाब से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं आम जनता को। गुलाब, साल्विया, गेंदा, डहलिया, सेवंती, मदार समेत 1000 फूलों की किस्में कोनी के सरकारी नर्सरी का नायाब कलेक्शन है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उत्तर भारत में घने कोहरे ने लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसके चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट बिलासपुर स्टेशन पहुंच रही है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर कड़ाके की ठंड के बीच ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। योगनगरी से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 10.5 घंटे, संतरागाछी से रानी कमलापति जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस 7 घंटे 25 मिनट, हावड़ा से मुंबई जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस 8 घंटे 23 मिनट, टाटा नगर से बिलासपुर आने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस 2 घंटे 23 मिनट और इतवारी से टाटा नगर जाने वाली एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट की देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। नोटिस मिलने के बाद बस स्टैंड के कब्जाधारी अब रोजी रोटी की दुहाई दे रहे हैं। तिफरा बस स्टैंड परिसर में सड़क किनारे एक दर्जन से ज्यादा झुग्गी ठेले वाले कई साल हुए कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे बसों की निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है। 2 दिन पहले नगर निगम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से सभी जोन कमिश्नर के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। गरीब व्यवसायियों का कहना है कि यदि उन्हें हटाया जाता है तो परिवार की रोजी रोटी छिन जाएगी। गुजर बसर का एकमात्र यह जरिया ना उजाड़ा जाए, लेकिन अधिकारियों ने आदेश हवाला देते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी है। 2012 से जो झुग्गी झोपड़ी में काम करा थन भैया, छोटे छोटे बाल बच्चे है, हमारे आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, और तत्काल नोटिस दे सब है। अब हम अनुलग हटाए के कहा थे, अब जाबो जाबो कहाँ, वो तिबर पूरा जगह बहुत सारा है, कम से कम हमला नाप के जगह दे दे, अपन बाल बच्चे पालिन कुछ भी है,
आगे पीछे हमारा कोई नहीं, वही है हमारा पेट रोजी भैया, आगे पीछे हमारा कोई नहीं है। जो भी है, जो दुकान है वही है, वही में गुजर बसर करथन। जितना हन महिले ज़्यादा काम करथन। हम लोग 12 वर्ष से यहाँ पे पान ठेला व्यवसाय कर रहा हूँ, जो कि 2 दिन पहले हम लोगों को नोटिस मिला है कि आप लोग तत्काल ठेला हटवा लीजिए या कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग 12 वर्ष पहले से अवगत काम कर रहे हैं, अभी के डेट में हम लोग कहाँ जाएं? अपने परिवार का पालन पोषण इसी जरिए करते हैं। हाईटेक बस स्टैंड में जितने अवैध कब्जाधारी हैं उनका सर्वेक्षण करने के बाद नोटिस जारी की गई है। सभी कब्जाधारी बार बार जोन कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल नगर निगम हटाने की कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको समय दिया जाएगा कि अपने स्वयं से हटा लें उसको। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। व्यापारी के घर से नकदी चोरी का मामला सुलझा, मां बेटे गिरफ्तार, 4 लाख रुपए बरामद। मातृ शिशु अस्पताल में हार्मोन की जांच करने वाली मशीन बिगड़ी, महिलाओं को होने लगी परेशानी। कोनी के सरकारी उद्यान से बागवानी करने वालों को मिल रही राहत, जरूरत के सारे फूल पौधे उपलब्ध। फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी पहुंची धर्मनगरी रतनपुर, मां महामाया का लिया आशीर्वाद। और बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बना सिरमौर, उप विजेता बनी दिल्ली, एसपी ने किया पुरस्कृत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं, माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार गोविंदा को कौन नहीं जानता, पूरे देश में इनके चाहने वाले आज भी उनकी एक झलक पाने मचलते हैं। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा शुक्रवार को धर्मनगरी रतनपुर पहुंची, जहां उन्होंने मां महामाया का दर्शन किया। यहां उन्होंने पत्रकारों से कहा, उनका पूरा परिवार माता रानी का भक्त है। धर्मनगरी रतनपुर में स्थित सिद्ध शक्तिपीठ जगत जननी मां महामाया देवी की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैल चुकी है। नेता अभिनेता सहित तमाम तरह के लोग यहां कर शीश नवाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को फिल्म जगत के मशहूर स्टार गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा माता रानी के दर्शन के लिए रतनपुर पहुंची। उनके द्वारा पूरी श्रद्धा भाव के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उनके साथ और भी परिवारजन उपस्थित रहे और मां महामाया के प्रति गहरी आस्था जाहिर करते हुए उनके द्वारा मां महामाया को पूजन सामग्री के साथ चुनरी अर्पित की गई। यहाँ पे महालक्ष्मी, मां सरस्वती माता, मां काली, तीनों माता के दर्शन मैंने किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हर साल वैष्णो देवी जाती हूँ और मैंने अपने परिवार के लिए पूजा पाठ किया है और माता से अर्चना किया है कि हमेशा माया हमारे परिवार के लिए बनाए रखे। मेरे हस्बैंड ने, गोविंदा ने एक ऐड किया था, तो उनके फंक्शन के लिए मैं आई हूँ। तो कल बैठे बात हुआ तो उन्होंने बोला, आपने रतनपुर में महामाया का दर्शन किया? तो मैंने नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह ज़रूर जाइए, वो बहुत सिद्ध पीठ है माता का। और मैं माता रानी का जहाँ भी सिद्ध पीठ हो या मंदिर हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ का पूजा करने को, क्योंकि मैं दिल से माता रानी की भक्त हूँ। तो इसलिए मैं सुबह पहले ही दर्शन करने के लिए यहाँ आ गई रानी माँ का। माँ महामाया मंदिर कार्यालय में बैठकर उन्होंने प्रतिष्ठित जनों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान महामाया मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा उन्हें माता रानी की छायाचित्र, चुनरी व श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी मुंगेली जिले में सरगांव के नजदीक ग्राम मोतिमपुर में 29 दिसंबर से नवधा रामायण प्रारंभ हो चुका है। अनुरागी धाम में प्रतिदिन अलग अलग गांव से पहुंचने वाली टोली यहां मौजूद श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करा रहे हैं। 10 दिवसीय इस राम कथा में आसपास के कई गांव के तमाम श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। अलग अलग तरीके से टोली के सदस्य यहाँ आकर राम कथा का वाचन करते हैं। 7 जनवरी को विशाल भंडारे के इसका समापन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण समिति बिलासपुर द्वारा 4 जनवरी से 11 जनवरी तक गुजराती समाज भवन टिकरापारा में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। पितरों की सदगति के लिए आयोजित इस कथा में अमरेली गुजरात से पधारे शास्त्री चिंतन भाई पंड्या अपने मुखारबिंद से संगीतमय भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं।
इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शुक्रवार को परीक्षित प्रसंग वराह अवतार की कथा सुनाई गई। गान होगा महिमा की आगे कथा चलेगी, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे, फिर वराह स्तुति से साथ लेकर भीष्म स्तुति और अनेकानेक कथाओं, आज भागवत की महिमा, खास करके भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ, किस स्थान पर हुआ, किसके द्वारा भागवत की कथा हुई, पहली बार इस कथा को किसने गाई, ये सब कथा आज सुनने को मिलेगी सभी श्रोताजनों को। व्यक्तिगत भागवत नहीं करा पाते हैं उनके लिए सामूहिक भागवत स्तुति है, भागवत सामूहिक भागवत कथा जो संपूर्ण कथा रहेगी और एक 7 दिन की कथा है और कथा में विविध विविध चरित्र अलग अलग रहेंगे। और उसके बाद 4 तारीख से चालू हुई कल और 11 तारीख को कथा का विश्राम होगा, विश्राम के प्रसाद महाप्रसाद होगा, महाप्रसाद के बाद पूर्णाहुति होगी। हाथों में ट्रॉफी, चेहरे पर मुस्कान और गजब का उत्साह बहतराई स्टेडियम में देखने को मिला। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शुक्रवार को विजेताओं को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इनाम बांटे। 13 राज्यों के स्कूली खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने यहां पहुंचे थे। एक दूसरे को कड़ी टक्कर देकर दिल्ली और छत्तीसगढ़ बालक बालिका का आमना सामना फाइनल के लिए हुआ, जिसमें प्रदेश के दोनों टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही ओवरऑल चैंपियन का खिताब भी पाया। उप विजेता दिल्ली की दोनों टीमों की हौसला अफजाई करते हुए SP ने उन्हें ट्रॉफी प्रदान किया। इसके अलावा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समापन समारोह को स्थानीय छात्राओं ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर यादगार बनाया। आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग ने करवाया था। ये पिछले 3 दिनों से आयोजन में देश के 13 राज्यों के लगभग 450 खिलाड़ी और उनके कोचेज यहाँ उपस्थित हुए। एक अच्छा आयोजन है और अच्छी बात ये भी थी कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों वर्ग में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने बाजी मारी, तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के खिलाड़ी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बिलासपुर उसलापुर आधुनिक रेल फ्लाईओवर का निर्माण काफी दिनों से चल रहा है। रेलवे की इस महत्वपूर्ण परियोजना का हर किसी को इंतजार है। इसके पूरा होते ही ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यात्री कम समय में गंतव्य तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर के निर्माण के साथ ही ओवरहेड लाइन का शिफ्टिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। लॉन्ग वेल्डेड रेल लगाने का कार्य भी अंतिम चरण में है। इसे अतिशीघ्र पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्तमान में ट्रेनों को कटनी दिशा की ओर जाने में बिलासपुर यार्ड को क्रॉस करना पड़ता है, इसमें काफी समय लगता है। इसके साथ ही रायपुर से बिलासपुर व बिलासपुर से रायपुर दिशा की ओर आने जाने वाली ट्रेनों को नियंत्रित भी करना पड़ता है। इसके चलते ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है। इस कार्य के पूरा होते ही बिलासपुर से कटनी दिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें इस मार्ग से अविलंब उसलापुर होते हुए कटनी दिशा की ओर जाने लगेंगी। बिलासपुर स्टेशन के कंजेशन को खत्म करने के लिए उसलापुर बिलासपुर फ्लाईओवर जो कि 10.5 किलोमीटर लगभग की है, उसकी तैयारी की जा रही है और यह लगभग अपने अंतिम चरण में है। वहाँ पर अभी जो रेल है, रेल अनलोडिंग हो गया है, ब्लास्ट अनलोडिंग हो गया है, ट्रैक बन गई है। अब आने वाले दिनों में उस पर इंजन रोल होगा, उसके बाद फिर उस पर CRS इंस्पेक्शन होगा और एक बार CRS इंस्पेक्शन और उनके अप्रूवल मिलने के बाद यह फ्लाईओवर चालू हो जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बुनियादी संरचना के विकास में नई उपलब्धि हासिल की है। तीनों रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के अंतर्गत नई रेल लाइन दोहरीकरण, तीसरी लाइन, चौथी लाइन के निर्माण परियोजना पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर से झारसुगुड़ा के मध्य 206 किलोमीटर चौथी लाइन का निर्माण लगभग 2060 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चापा, सारागांव, झाराडी,
रॉबर्टसन और हिमगिर झारसुगुड़ा के मध्य 70 किलोमीटर चौथी रेल लाइन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अनूपपुर कटनी तीसरी लाइन परियोजना अनूपपुर से कटनी के मध्य 165.52 किलोमीटर तीसरी लाइन का निर्माण लगभग 1371 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अमलाई सिंहपुर व रुपौंद झलवारा के मध्य 36 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। चौथी लाइन चल रही है झारसुरा से बिलासपुर, यह लाइन लगभग कंप्लीट तो अभी नहीं हुई है, बट लगभग 75 किलोमीटर से अधिक की लाइन ये कंप्लीट हो गई है और आने वाले दिनों में यह भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अतिरिक्त हमारा जो अनूपपुर कटनी तीसरी लाइन का कार्य भी चल रहा था, अनूपपुर कटनी का तीसरी लाइन में हमारा लगभग 50 किलोमीटर काम वहाँ भी हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में यह काम भी कंप्लीट हो जाए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।